हे एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सिर्फ एक महीने के अंदर, एक या डेढ़ महीना मान सकते हैं आप, उसमें उन्होंने फेसबुक पे अपने 10 पेज को ग्रो किया है, उसमें से 6 पेज मोनेटाइज करवा चुके हैं, उसमें से 2 पेज की वो अर्निंग भी रिसीव कर चुके हैं। आपको विद प्रूफ इस वीडियो में जानने को मिलेगा किस तरीके से उन्होंने काम किया। और हाँ, वो एक कॉपी पेस्ट कॉन्टेंट पर काम करते, लाइक यस वही वाला कॉपी उठाया अपलोड कर दिया वही वाला वो काम करते हैं, और बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए जो आज के हमारे गेस्ट उनको इनवाइट करते हैं। वेलकम ब्रदर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YT चैनल पे। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, किस कंटेंट पे काम करते हैं। आपका एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी YT फैमिली की, ताकि आपके बारे में वो जान पाए। तो सिस्टर, सबसे पहले आप अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू। मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ इंटरनेट का थोड़ा भी सुविधा अच्छा नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मैं 10 पेज को अभी हैंडल कर रहा हूँ, अकेला 10 पेज का हैंडल कर रहा हूँ अभी, तो आप लोग समझ सकते हैं। सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, दूसरे का वीडियो अपलोड करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ और अपलोड करता हूँ। वाह भाई रजनीश भाई, मान गए आपको, मतलब आप पूरा का पूरा वीडियो कॉपी पेस्ट पे बनाते हैं। जी जी, मतलब का पूरा पेजेस पे है। जी बिल्कुल। उठाते कहाँ से हैं आप वीडियो? यूट्यूब से ही वीडियो ले लेते हैं, कभी कभी तो फेसबुक से ही ले लेते हैं, और फेसबुक पेज पे ही अपलोड कर देते हैं। अच्छा, जो आप वीडियोस लेते हैं वो किस टाइप की होती है, मतलब आप क्या अपलोड करते हैं अपने फेसबुक पेज पे? जैसे कॉमेडी हो गया, मूवी क्लिप हो गया, जो अभी मान लीजिए ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे अभी कौन सा मूवी या कौन सा क्लिप ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूट्यूब पे कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको हम वहां से उठाते हैं और थोड़ा मोड़ा अच्छे से एडिट करके और अपने पेज पे डाल देते हैं, बस इतना करते हैं। ओके, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें कोई पॉलिसी वगैरह आ जाती है, हमें क्या कुछ करना पड़ता, तो कुछ बताओ, पॉलिसी वगैरह आई है क्या आपको? जी बिल्कुल आया, जब $700 जब मेरे पेज पे हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मुझे पॉलिसी इशू आ गया था, आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आप देख लीजिएगा। तो फिर पॉलिसी इशू आया तो हमने भी हटा दिया उसको। पॉलिसी इशू हटाने का भी एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहना। हाँ भाई देखो, आपको इस वीडियो में ना ट्रिक्स ट्रिप्स सारे के सारे सीक्रेट पता चल जाएंगे। देखो कॉपी पेस्ट कंटेंट पे होता ही है, आ जाता है पॉलिसी इशू। देखो हम किसी का कंटेंट यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि आपको पॉलिसी अगर आ जाए तो आप किस तरीके से हटा सकते हैं। ओके, तो आप मान लीजिए आपने वीडियो यहाँ से ले लिया, आपने यूट्यूब से वीडियो ले लिया, आप उसमें क्या कुछ चेंज करते हैं कि भाई अगर हम पॉलिसी के अंतर्गत रह के फेसबुक पे काम करें तो हमें क्या कुछ चेंज करना पड़ता है अपनी वीडियो के अंदर? देखिए, एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए वीडियो यूट्यूब से उठाते हैं, फेसबुक से उठाते हैं, या कहीं से भी लेते हैं, इंस्टा से लेते हैं, और अपने फेसबुक पेज पे डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, तो वो लोग अगर ऐसे करते हैं ना तो उसको पॉलिसी इशू 100% आएगा ही आएगा। उसमें कुछ तरीका लगाना है, जैसे मान लीजिए आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लीजिए आपने किसी का वीडियो डाउनलोड किया यूट्यूब से, मान लीजिए आप यूट्यूब से डाउनलोड किए, काइनवास किसी भी ऐप में गए, एडिटिंग किए, एडिटिंग करते समय आपको ध्यान देना है, जैसे जितना मिनट का वीडियो आप डाउनलोड किया है जैसे यूट्यूब से और उसको अपलोड कीजिएगा, उतना मिनट का आप रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग वीडियो बना लीजिए अपने फोन से, एक शूट कर लीजिए फेस वैल्यू वीडियो, फेस कैम वीडियो शूट कर लीजिए और उसी वीडियो के पीछे लगा दीजिए। जैसे आप एडिटिंग कीजिएगा ना, तो वहां पे आपको उसका उस वीडियो का पीछे लगा देना है, जो वीडियो आप जहां से डाउनलोड करते हैं, जिसका वीडियो आप यूज कीजिएगा, उसके पीछे लगा देना है आपको अपना खुद का वीडियो और उसको हाइड कर देना है। इससे तो पता चलेगा भाई कि फेसबुक को इसका कॉन्टेंट है, इससे पॉलिसी इशू आने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, या हम इसी तरीके से काम करते हैं, हम शुरू से ही इस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। मतलब आपने एक चीज सीक्रेट आज रिवील कर दिया कि आप जो मेन लेयर होती है, जिसको मेन लेयर बोलते हैं, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो मेन लेयर हमारी होती है उस पर हम खुद की वीडियो को यूज करें, और जो लेयर होती है, देखो मेन लेयर अपनी हो गई जिसको हम टाइमलाइन बोलते हैं, वो हो गया, और उसके ऊपर हम करते हैं लेयर को अप्लाई, तो लेयर में हमें कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट अप्लाई करना, और जो मेन है उस पर हमें खुद का कंटेंट अप्लाई करना है। जी जी, उसे रियूज नहीं आएगा वहां पे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, रियूज कंटेंट आएगा ही नहीं उस पे। वाह भाई, ये तो बहुत सीक्रेट रिवील कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, जैसे आप वीडियो को अपलोड करते हो तो क्या कुछ वहाँ पे ट्रिक्स लगाते हो अपलोड करते हो, हैशटैग वगैरह हो गए, टाइटल वगैरह हो गए, डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गए, क्या सोच के लगाते हो, मतलब क्या सोचते हैं आप ताकि आपकी वीडियो वायरल होती है? देखिए, वीडियो वायरल करने का तो सबसे पहले कोई ट्रिक नहीं है, अगर ट्रिक होता तो सब लोग ट्रिक को सीख करके अपना वीडियो वायरल कर लेते। वीडियो वायरल करने का मेन जर है वीडियो आपका कैसा है, वीडियो में अगर आपकी क्वालिटी है ना भाई, तो वीडियो आपका ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगा, उसमें कोई ट्रिक लगाने का, टैग टाइटल लगाने का कोई भी झमेला आपको नहीं रखना है। आपका जो
वीडियो आप डाउनलोड किए ना, जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं वो वीडियो में कितना दम है, लोग ये देखना चाहते हैं कि आज जो मान लीजिए जैसे कोई भी लोग आपके फेसबुक पेज पे आएगा और उस वीडियो को क्लिक करेगा, मान लीजिए वो वीडियो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को तो फिर भाई वीडियो थोड़ा स्किप करेगा, भाग जाएगा, दूसरा वीडियो देखेगा, आपका वीडियो क्यों देखेगा। तो मेन वीडियो वायरल करने का जरिया होता है जो आपका होता है वीडियो। अगर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आप इन्हें एडिट किया है और वीडियो में कुछ दम है, क्वालिटी है, तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेन आपका है कि आप वो वाले कंटेंट उठाते हैं आई थिंक जो ऑलरेडी यूट्यूब पे वायरल होंगे, क्योंकि वायरल कंटेंट अगर हम यूट्यूब से उठाएंगे तो वो फेसबुक पे वायरल हो जाएंगे, है ना, ये ट्रिक होगी आपकी शायद। जी जी हाँ, तभी तो मैं समझ रही हूँ कि कुछ लोग क्या करते, कुछ भी अपलोड कर देते हैं वहाँ पे, अरे कुछ को कोई जानता ही नहीं है तो उस पर फायदा ही क्या है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, जैसे आपने अपना कंटेंट रिवील कर दिया यहाँ पे कि आप क्या क्या उठाते हैं, आपने अपनी एडिटिंग रिवील कर दी, आपने बताया टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कोई भी मायने नहीं रखता, टाइम कितना मायने रखता है वीडियो को अपलोड करने के लिए? टाइम तो बहुत मायने रखता है। आपको देखिए, जब मान लीजिए हर घर का बच्चा शाम के टाइम में मोबाइल लेकर के बना पड़ा रहता है, सब हर घर का बच्चा मोबाइल देखता है शाम 8 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। एक टाइमिंग आप 8 से 10 बना लीजिए कि 8 से 10 में ही हमको वीडियो को अपलोड करना है। आप मान लीजिए जैसे दिन में 1 बजे डाल दीजिएगा, 12 बजे डाल दीजिएगा, तो भाई कोई नहीं देखेगा 12-1 बजे आपका वीडियो देखने के लिए, किसके पास टाइम है, सबके पास अपना अपना काम रहता है। तो आप जब लोग जखनी सोता है ना, खाना पीना खा करके सोने जाता है, तब आप वीडियो को अपलोड करो तो उस समय आपकी वीडियो पे ज्यादा रीच मिलेगी और आपका वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल होगी। ओके, तो एक और चीज मेरी ऑडियंस को बताइए, देखो भाई सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, देखो कितनी इन्फॉर्मेशन वाली नॉलेज आपको दे रही है। अच्छा भाई एक चीज और बताओ मुझे, आप जैसे आप बताओ कि फेसबुक के लिए बेस्ट कंटेंट कौन सा, अगर मेरी ऑडियंस कॉपी पेस्ट कंटेंट पे काम करना चाहती है तो उनके लिए बेस्ट कंटेंट वो कौन सा बनाए, क्या कुछ उठाए यहाँ से? देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में पेज बनाइए, न्यू पेज पे काम कीजिए। अगर आपके पास पुराना पेज है तो उस पेज पे बिल्कुल भी काम नहीं कीजिए, क्योंकि वो पेज आपका ग्रो नहीं होगा, क्योंकि पहले से डाउन हो चुका हो तो पहले से वो पेज डाउन हो चुका है तो भाई उस पेज पे अगर आप काम करते हैं तो पेज फिर आपका वायरल नहीं होगा। आपको एक नया पेज बना लेना है और स्टार्टिंग में आपको रील्स वीडियो अपलोड करना है। आप सोचेंगे अगर लॉन्ग वीडियो डाल करके हम अपने पेज को ग्रो कर लेंगे स्टार्टिंग में ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको स्टार्टिंग में रील्स वीडियो को अपलोड करना है, जब आपके पेज पे 10,000-20,000 फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाए उसके बाद आप लॉन्ग वीडियो डालो। और लॉन्ग वीडियो में आपको क्या डालना है मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको मूवी क्लिप लेना है, उसको अच्छे तरीके से एडिट करना है, उसके बाद कहीं से कॉमेडी लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें अपना कुछ कंटेंट डालना ही पड़ेगा। जैसे 100% आप किसी का यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें से मान लीजिए तो आप 30-40% अपना कंटेंट तो भाई खुद का डालो, तब तो पैसा कमाओगे ना। अच्छा भाई मुझे बताओ रील जो अपलोड करनी है, रील खुद के बनाने की या कॉपी पेस्ट वाली होंगी? रील तो कॉपी पेस्ट वाली होगी, उसमें रील्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, रील्स में कोई पॉलिसी इशू नहीं आता है, ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का झमेला आता है। रील्स आप किसी का भी डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा अगर आप किसी का भी रील्स वीडियो अपलोड करते हैं तो। तो रील्स आप कहाँ से लेते थे? आपने रील्स जो बताई अभी कि आपने रील्स बनाई होगी आपकी रील्स वगैरह अपलोड करके, तो रील्स बनाने के लिए आपने रील्स कहाँ से ली थी? हम तो इंस्टाग्राम से, मुझे जैसे मान लीजिए हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं, तो हम सभी एप्लीकेशन में अपना वीडियो देखते रहते हैं, जो वीडियो हमको पसंद आ गया उस वीडियो को हम वहां से डाउनलोड करते हैं, या यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टा हो या कुछ भी हो भाई, कोई एप्लीकेशन हो, अगर हमको वीडियो पसंद आ गया, हमारी नजर में आप वीडियो अगर अच्छा लग गया तो उस वीडियो को हम डाउनलोड करेंगे और अपने पेज पे डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। अगर रील्स वीडियो को एडिट भी नहीं करेंगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बढ़िया बात बताइए आपने, मतलब रील्स में आपको कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से उठाइए। एक बात और मुझे बताइए, जैसे यूट्यूब पे क्या होता है कि अगर किसी अलग प्लेटफॉर्म का लोगो आ जाता है, जैसे आपने उठाया भाई कहीं से, आपने इंस्टाग्राम से उठाया आपने वीडियो, तो इंस्टाग्राम का लोगो आ जाता है, अगर हम उसको वहाँ पे अपलोड करेंगे फेसबुक पे तो कोई पॉलिसी इशू वगैरह आ सकता है क्या? ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगो वगैरह से कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला। लोगो देखिए, लोगो भी नहीं आएगा, आप लोग अगर अच्छे तरीके से उसको डाउनलोड कीजिएगा ना तो लोगो भी नहीं आएगा। हम तो करते हैं भाई, लोगो भी साफ कर देते हैं, पूरे तरीके से अच्छे से साफ कर देते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है, तो लोगो भी नहीं आएगा। अगर आप लोग अच्छे से काम कीजिएगा तो, अच्छे से एडिट कीजिएगा तो, लेकिन अगर लोगो भी आ जाता है ना फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा आपके पेज में प्रॉब्लम। आप उस वीडियो को डायरेक्ट लीजिए, डायरेक्ट स्टार्टिंग में रील्स वीडियो को अपलोड कीजिए और जब आपके पेज पे अच्छा खासा फॉलोवर्स रीच बन जाए उसके बाद आप लॉन्ग वीडियो डालिए और पैसा कमाइए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको स्टार्टिंग में दिमाग कहाँ से लगाया आपने? आप वैसे अपनी लाइफ में फेसबुक के अलावा क्या करते हैं?
फेसबुक के अलावा हम बहुत चीज करते हैं, ऐसा ऑनलाइन कोई काम नहीं होगा जो हमसे ना हुआ होगा। जैसे स्पॉन्सर दिलाते हैं, जैसे आप ही की तरह यूट्यूबर है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में यूट्यूबर है जैसे टेक कैटेगरी में, अर्निंग कैटेगरी में, तो सबको हम स्पॉन्सर दिलाते हैं। जैसे कोई ब्रांड हमसे कॉन्टेक्ट करता है या हम किसी ब्रांड से कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम उनसे बात करके उनको स्पॉन्सर दिलाते हैं, तो उसमें मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। उसके बाद मेरे पास फेसबुक है, उससे अर्निंग हो जाता है अच्छा खासा, उससे भी कॉपी पेस्ट करके अर्निंग कर लेते हैं। बाकी दोस्तों हम वेबसाइट पे भी अलग से काम करते हैं, तो वेबसाइट से भी अभी अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। मतलब आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इनकम करने के। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जी जी। अच्छा, कुछ और सीक्रेट हो आपके पास जो आप बताना चाह रहे हो, जो फेसबुक पे काम करने के लिए जो नई ऑडियंस है वो किस तरीके से वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह लगाए, कोई ट्रिक वगैरह काम करती है क्या वहाँ पे? फेसबुक पे ऐसा कोई ट्रिक नहीं है भाई, आप 10 साल का बच्चा भी हो ना, फिर भी अगर आप दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपने फेसबुक पेज पे डालोगे तो भाई 10 से 20 दिन में ग्रो हो जाएगा आपका पेज। 10 साल का बच्चा भी अगर ऐसा काम करेगा ना तो हो जाएगा। मैं तो मानती हूँ भाई, मैं तो मानती हूँ कि भाई ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं करती किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हमारी हार्डवर्क मेहनत हमारी काम करती है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क हमारा भी काम करता है। देखो आपने स्मार्ट वर्क किया ना, आपने चाहे कॉपी पेस्ट किया लेकिन दिमाग तो खुद का लगाया। चलिए एक चीज बताइए, अगर कोई भी पॉलिसी इशू आ जाता है, कोई दिमाग लगाता है कॉपी पेस्ट करता है अपने पेज पे, उसको कोई पॉलिसी इशू आ जाए तो वो किस तरीके से हटाए उसको? देखिए अगर पॉलिसी इशू आपके पेज पे आ जाए ना तो उसको आप कुछ भी नहीं कीजिए। आपने जो वीडियो डाला, जैसे मान लीजिए आपने बहुत दिन से दूसरे का वीडियो यूज कर रहे हैं, उस वीडियो पे पॉलिसी इशू नहीं आया है तो भाई आप तो बचे हुए हैं। अगर मान लीजिए आज आप एक वीडियो डाले और उसी वीडियो पे पॉलिसी इशू आ गया तो आपके पेज पे तो पॉलिसी इशू आ गया भाई, पूरे चीज खराब हो गया, पूरे चीज बेकार हो गया इतना मेहनत, तो आप घबराइए नहीं, वो आसानी से हट जाएगा। बस दो ट्रिक आपको लगाना है, सबसे पहले आज जो आप वीडियो को अपलोड किए हैं उस वीडियो को डिलीट मार देना है, सबसे पहला काम उस वीडियो को आपको डिलीट मार देना है। और दो, जैसे मान लीजिए एक हफ्ता में आपको 2 बार लाइव स्ट्रीम करना है, 15 दिन में 4 बार आपको लाइव स्ट्रीम आना है, आपका जो है ना पॉलिसी इशू एकदम से हट जाएगा, 100% गारंटी मैं लेता हूं। अगर नहीं हटा ना भाई तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताना, 100% गारंटी के साथ कहता हूं हट जाएगा। आप लाइव स्ट्रीम एक हफ्ता में 2 बार और 15 दिन में 4 बार आपको बस लाइव स्ट्रीम को कर देना है, उसके बाद देखिए कोई पॉलिसी इशू नहीं आएगा, सारा गायब हो जाएगा। ओके, एक बात और बताओ मुझे भाई, आपकी बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि आपको लाइव आ जाना है, तो लाइव फेस के साथ आना है कि विदाउट फेस आना है? क्योंकि कुछ लोग भाई फेस रिवील करना ही तो नहीं चाहते ना, अगर वो लाइव आते हैं तो उनको फेस दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? देखिए ये तो आपकी मर्जी, आप फेस भी दिखा सकते हैं, फेस अगर दिखा करके करते हैं तो और भी बेटर होगा, और भी अच्छा होगा, जल्दी से जल्दी आपका पॉलिसी इशू हट जाएगा। वैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड वाला काम करते हैं तो थोड़ा, जैसे मान लीजिए ब्रांडेड काम होता है तो ब्रांडेड भाई वैल्यू भी बनता है, तो आप फेस वैल्यू बना करके आइएगा ना तो और, वैसे आप लोग दोनों में से कोई कर सकते हैं फिर भी हट जाएगा। वैसे अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते तो थोड़ा देरी लगेगा लेकिन हट जाएगा पॉलिसी इशू। अगर आप फेस दिखा करके करते हैं तो एक हफ्ता के अंदर ही हट जाएगा, होगा तो भाई 2 से 3 दिन में भी हट जाएगा अगर आपका किस्मत सही रहा तो। हाँ ये भी बढ़िया है भाई। एक बात और बताओ, मान लीजिए कॉपी पेस्ट कंटेंट पे किसी पे भी पॉलिसी इशू नहीं आया लेकिन एक वीडियो पे आ गया, उसके बाद अगर हम दोबारा कॉपी पेस्ट वीडियो डालते हैं सेम ही कंटेंट वाली तो उसपे भी आने का डर रहता है क्या? देखिए आने का चांस नहीं रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, एडिट अगर आप अच्छे से करते हैं ना, जिस तरीका से हम बताए हैं उस तरीके से अगर आप लोग एडिट करते हैं ना तो पॉलिसी इशू कभी नहीं आएगा। मेरे साथ बस एक ही बार आया था, जो मैंने पहले ही मैम को स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, जब $700 हो गया था ना तब मेरे साथ पॉलिसी इशू आ गया था, तो मैंने उस टाइम जब हटा लिया ना उसके बाद आज तक एक बार भी पॉलिसी इशू मेरे साथ नहीं हुआ है। कोई मेरे पेज पे, कितना मेरे पास 10 टोटल पेज है ना, उस पे एक भी पॉलिसी का कोई झमेला नहीं आया अभी तक। बस मैं जिस तरीका से आपको बताया हूँ एडिटिंग कैसे करना है उस तरीका को आप लोग अजमाओ, कभी भी पॉलिसी इशू नहीं आएगा। अच्छा एक बात और बताइए, आपने अभी तक कितनी पेमेंट उठाई है यहाँ पे? देखिए पेमेंट तो बहुत सारा उठा चुके, आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, वही मान लीजिए तो 1 से 1.5 साल से हम अर्निंग, 1 साल से अर्निंग कर रहे हैं लगभग फेसबुक कॉपी पेस्ट करके। ओके, यहाँ से स्पॉन्सर भी मिलती है आपको? जी बिल्कुल है स्पॉन्सर, वैसे मेरा एडिसेंस से ही इतना अर्निंग हो जाता है तो हमें स्पॉन्सर पे ध्यान ही नहीं देते। अभी इतना मेल आया होगा ना फिर भी हम चेक नहीं करते हैं, मेल में वैसा वगैरह लिंक वगैरह रहता है तो हम उतना चेक नहीं करते हैं उसमें बहुत। वैसे एडिसेंस से हमारा अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, 1000, 1500, 1200, 700, 800 ऐसे डॉलर मंथली आराम से हो जाता है अभी कॉपी पेस्ट से सिर्फ। मतलब ₹1,00,000 आप आराम से कमा लेते हैं कॉपी पेस्ट करके? बिल्कुल, परमेंट आया पिछले महीना, वो उसका स्क्रीनशॉट दे देंगे आपको, वो देख लीजिएगा आप।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज की आज वीडियो से ना, जो आज की वीडियो रही है फुल धमाके दर मोटिवेशन वाली रही होगी हमारी वीडियोस। अच्छा एक बात और बताइए आप, मान लीजिए आपने सारा कंटेंट पे काम कर लिया है, आपने वहाँ से पेमेंट वगैरह भी ले लिया है, मान लीजिए हम काम करना छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, तो क्या रीच वगैरह हमें डाउन हो जाती है फेसबुक पेज पे भी? जी जी, ये तो हर एक प्लेटफॉर्म का कहानी है भाई। अगर आप काम रेगुलर नहीं करोगे तो आपका रीच डाउन हो जाएगा, रीच खराब हो जाएगा। तो आपको कोई भी तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ना, तो आपको रेगुलर करना ही होगा। रेगुलर अगर आप कीजिएगा तभी भाई आपका रीच अच्छा बनेगा, नहीं तो डाउन हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, आप कितना समय देते हैं फेसबुक पे? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, वो बिजी होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, घर पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो आप अपने फेसबुक के लिए कितना समय निकालते हैं? अरे भैया, फेसबुक पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप जब जितना टाइम मोबाइल टिपोगे ना, कुछ देखोगे इंस्टाग्राम ऐसे वैसे रील्स वगैरह देखोगे ना, बस आपको 1 से 1.5 घंटा देना है, उससे ज्यादा आपको देना ही नहीं। यूट्यूब वीडियो डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा आप ही बताओ भाई, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। कोई सा भी मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी वीडियो क्लिप डाउनलोड कर रहे हैं, 10 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, कितना भी नेटवर्क स्लो रहेगा तो। उसके बाद एडिटिंग करोगे, एडिटिंग में आधा घंटा लगेगा, इधर उधर कट करोगे, अच्छा से थोड़ा बनाओगे, आधा घंटा उसमें लगेगा, उसके बाद अपलोड में आधा घंटा लगेगा भाई। 1 से 1.5 घंटा में आपका टोटल काम हो जाएगा। बस आपको पर डे 1 से 1.5 घंटा निकालना है और अपने फेसबुक पेज पे देना है। बस आप भाई 100% पैसा कॉपी पेस्ट, 100% पैसा कॉपी पेस्ट से कमाओगे। तो देखा गाइस, भाई ने कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाले नॉलेज दिए ना आपको। अब सारी की सारी चीजों को यूज कीजिएगा, आप भी फेसबुक से बहुत अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। जब वो 1 लाख रुपए कमा सकते हैं ना एक महीने से, यार कम से कम तुम तो 50,000 रुपए कमा ही सकते हो। तो इन चीजों को यूज कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट और भी देखने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।